इस स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा परिचय तो ये है कि वो बांसुरी वादक हैं, बहुत कमाल के बांसुरी वादक हैं। लेकिन ये तो बड़ा परिचय हुआ, इस परिचय के अंदर जैसे हम परीक्षा में एक हेडिंग के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग लिखते थे, तो वैसे इनके परिचय की बहुत सारी सब हेडिंग्स भी हैं जो इस इंटरव्यू में निकल कर आएंगी और जब हम बातचीत करेंगे तो। लेकिन परंपरा ये कहती है कि सबसे पहले अश्विन जी का स्वागत किया जाए। अश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके प्लेटफॉर्म में मुझसे बातचीत हो, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और बाकी सारे सभी प्रेक्षकों का उनको नमस्ते करता हूं। अश्विन, जो पृष्ठभूमि है परिवार की और परिवार में जिस तरह से संगीत के संस्कार रहे हैं, मतलब पंडित रविशंकर जी की जो थॉट प्रोसेस है उससे आपकी माता जी का सितार वादन रहा हो जी। उसमें आप जब छोटे थे तो ये जो सीखने की शुरुआत थी उसके दो विकल्प क्या थे? पहला विकल्प ये था कि माँ ने हाथ पकड़ा और कहा बेटा बैठ जाओ सीखना है, या दूसरा आपने माँ के पास जाकर कहा कि माँ प्लीज मुझे सिखाना शुरू कर दो, मुझे भी ये जो आप बजाते हो ये संगीत बहुत अच्छा लगता है, कौन सा विकल्प ज्यादा सही है? बल्कि दूसरा, और उसमें भी मुझे कहना नहीं पड़ा, जब मैं कहने के काबिल हुआ उसके पहले ही आई थिंक शुरुआत तो मेरे नाना जी ने इस बात को बहुत ध्यान से बताया कि माँ जब मैं कोक में था तभी वो रियाज जारी रखें ताकि उसका मुझे साउंड मुझे सुनता सुनाई दे। और आई थिंक छः सात महीने की उम्र में जब बच्चे पलटते हैं तो उस समय, बल्कि वैसे भी रेडियो और एलपी डिस्क तो चलते ही थे घर पे, तो उससे अपेरेंटली माँ ने मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उससे सुर मिलाते हुए मैं आवाज लगाता था तो वो खास करके वो इमामी का एक जिंगल है, इमामी, तो मैं आ करके गाता था, ऐसे माँ बोलती थी, शायद ये सच भी है। पर तभी से रुचि संगीत में, मेरे अंदर संगीत में रुचि उन्होंने देखा, और दोनों ही माँ और पिताजी दोनों ही संगीतमय हैं। माँ तो प्रोफेशनली थी ही, पर पिताजी भी बहुत नेचुरल म्यूजिक, उनके फैमिली में मेरे दादाजी के बड़े भाई विद्वान अन्ना स्वामी भागवतर दक्षिण भारत के बहुत बड़े हरिकथा के एक्सपोनेंट थे, और शुरुआत हिंदुस्तान के पहले कुछ पद्मश्रीयों में से उनका नाम आता है। तो घर पे तो संगीत था और पिताजी नेचुरली वो भी म्यूजिकल थे, तो वो माहौल कभी मुझे नया नहीं लगा। तो मैं कहूँगा कि इसे इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया मुझे, मैं उसी के अंदर तैरते हुए निकला हूँ, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, और मतलब इसको कहना चाहिए कि ये बहुत खुश नसीबी है आपकी, सौभाग्य है आपका। और आप जब बड़ा कोई कलाकार आके पीठ थपथपाता होगा और कुछ सुनने के बाद वाह वाह करता होगा, आशीर्वाद देता होगा, तो मुझे लगता है कि उसकी जो जड़ है वो उस कोख में ही है जहां से आपको वो संगीत अप्रत्यक्ष रूप से आप तक जा रहा था। लेकिन अश्विन मुझे ये बताइए कि संगीत तो हो गया, माँ भी सिखा रही हैं या माँ ने भी समझ लिया कि संगीत सीखेगा, पिताजी का भी सपोर्ट रहा, तो ये जो बचपन की बदमाशी, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि जो हमारे घर के बच्चे, सामान्य घरों के बच्चे हैं जिनमें संगीत परंपरागत नहीं है, वो भी कम से कम ये समझे कि सीखा जा सकता है, मतलब बदमाशी करने वाले बच्चे भी सीख सकते हैं। तो आप बदमाशी बचपन में कर पाते थे या बिल्कुल सिर्फ संगीत में ही रह गए? मैंने बदमाशी अगर कहूं तो वैसे खास तो नहीं करा, मैं बहुत सीधा था, अब बल्कि बदमाश हो गया हूं मैं, पर वो तो दुनिया ने बना दिया मुझे एक उसके क्या कहते हैं, एनीवे सो पिताजी जब पांच साल का था तब हमारे यहाँ परंपरा है इधर शबरीमला जाने की यात्रा, तीर्थ यात्रा करने की, तो वो वहां जाके उसके दौरान 30 दिन आदमी को सेलिब्रेट रहना पड़ता है और भजन करना पड़ता है, और उनके ग्रुप में वो फिपल फ्लूट कहते हैं हमें, हमारे यहाँ ऐसी जो बजती है फ्लूट, तो वो एक उठा ले आए
और पिताजी तो नेचुरल थे ही, वो मोहतरगन बहुत अच्छी बजाते हैं और हारमोनियम बचपन में उनके घर पे जब पढ़ी थी तो उन्होंने उसको उठा के नेचुरली करना सीखा, तो वो बजाते थे। और षड्ज का पोजीशन जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली अभी हम पंचम के पोजीशन से बजाते हैं, उस पोजीशन से उन्होंने षड्ज माना, उनके कान को जो ठीक लगा, बिलावल ठाट मिलता है उसमें से, तो उन्होंने लगा कि ये सारे काम आपादा नहीं सर, तो भजन उनका हो गया, वापस भी आ गए और वो मुझे दे दिया कि तुम्हारे लिए खिलौना है। अब उसको मैंने भी नेचुरली अपना लिया, सितार तब जारी था मेरा, पर माँ डांटती थी तो मैं उनके डांट के सुरावट को मैं मिमिक्री करता था बांसुरी। अब इसे आप बदमाशी कह लीजिए, ये म्यूजिकल बदमाशी है। हाँ, तो वही कर, पहले तो चिढ़ती थी, बाद में हंसने लगती थी, फिर उनको ये भी लगा कि यार ये तो सुर का पक्का है, उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि शुद्ध स्वर ही लग रहे हैं या स्केल के ही स्वर लग रहे हैं, इन बिटवीन जो श्रुतियां लगती हैं, मैं उन्हीं को बजा लेता था, ऐसे ये चलता था। तो आई सबकॉन्शियसली मैंने डिस्कवर किया कि ये तो पूरा ही मींड हो सकता है इसमें। सो वैसे भी हुआ है बदमाशी की बात अगर करें तो। जो सब्सक्राइबर्स थोड़ा म्यूजिक के ग्रामर को कम समझते हैं, उनको अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो अश्विन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए माँ ने डांटते हुए कहा कि क्या बदमाशी कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तो उन्होंने उसको भी म्यूजिक में बांसुरी में बजा कर दिखाया, जो निश्चित तौर पर शुरुआत में किसी भी माँ को झुंझलाहट ही देगा, लेकिन फिर जब उन्हें ये समझ में आया कि ये डांट को भी संगीत में ले जा रहे हैं, तो उन्होंने निश्चित तौर पर उनको भी हंसी आई और फिर वो लाड़ प्यार तो हुआ ही होगा। स्कूल में कभी इस बात का फायदा मिला कि म्यूजिकल फैमिली से है, बच्चा अच्छा बजाता है, इसको जरा पढ़ाई के लिए प्रेशर कम डालो, थोड़ा अगर पढ़ने में 5-10 नंबर एक्स्ट्रा भी देने तो दे दो, कभी हुआ ऐसा? वो तो नहीं किया, पर उन्होंने, आई वाज एन अबव एवरेज स्टूडेंट, मतलब 60-70 तो मिल ही जाते थे बिना मेहनत के, ध्यान बहुत देता था। और आई वॉज उल्टा, मेरे लिए मेरे क्लासमेट्स में दुश्मनी बहुत हो गई थी कि मैं टीचर्स पेट था, मैं स्कूल कैप्टन रहा हूँ, स्कूल प्रीफेक्ट रहा हूँ, हाउस कैप्टन रहा हूँ, तो मुझे वो लीडरशिप के लाइन में बहुत मुझे धकेला गया, बल्कि मैं आई वॉज नेचुरल टू इट। और स्टेज प्रोग्राम्स में भी साउंड सेट करने से लेके एक तरफ हारमोनियम, एक ही गाने में हारमोनियम पार्ट बजाते हुए फिर फ्लूट का अपना पार्ट बजा के तबला भी बजाता था, कॉन्गास बजाता था, तो कि इंटरेस्ट बहुत थी मुझे। और साउंड सेट करना, बैलेंस सेट करना, फीडबैक कैसे अवॉइड करना, ये सब स्कूल में देख देख के सीख के उस चीज को वहीं से करने लग गया था। तो आई वॉज टीचर्स पेट, प्रिंसिपल ने यहाँ तक बताया कि 10th हमारे, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, 10th मैंने जहाँ से किया था वहां पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम थी 11th और 12th में, और मैंने बहुत स्ट्रांगली कॉमर्स चूज किया था, तो मैं स्कूल शिफ्ट किया, मैं केवी प्रोडक्ट हूँ, केंद्रीय विद्यालय का हूँ, तो ट्रांसफर इजिली हो गया। पर प्रिंसिपल मेरे घर आके, उस दिन मैं छत पे जाके छुप गया, प्रिंसिपल की स्कूटर देखी, सर की स्कूटर देखी, तो मैं छुप गया, तो मैडम हमारी प्रिंसिपल थी, तो वो पिताजी से 1.5 घंटा बात करके गई कि इसको बोलिए कि साइंस स्ट्रीम इतना होनहार बच्चा है, तो प्लस हमारे स्कूल के लिए एसेट है, तो ये यू नो इट्स अ लॉस फॉर अस, कि उसे बताइए कि वो यहीं कंटिन्यू करें। तो पिताजी ने बोला तो वो तो अपने मर्जी का मालिक है, वो मेरी नहीं सुनता, आपकी भी नहीं सुनेगा, उसको अगर कॉमर्स ही करना है तो फिर उसे मैं नहीं रोक पाऊंगा, बट आपका बहुत धन्यवाद आप आए। और मैं ऊपर से छत से देख रहा हूँ कि उनकी स्कूटर कब गई और फिर मैं नीचे कब आऊँ। सो ये हुआ था। सो यस, आई मेड अ फ्यू एनिमीज एक्चुअली, बहुत सारे बच्चे जलने लग गए थे और मैं डरपोक भी था बहुत बचपन में, तो वो चीज़ शायद उस चीज़ का अब उल्टा असर पड़ गया है कि मेरे अंदर से डर निकल गया जब मैं बॉम्बे आया 99 में, डर मेरे अंदर से निकल गया और उसका मेरे म्यूजिकैलिटी पे बहुत पॉजिटिव असर गिरा कि मैं किसी भी चीज़ को ट्राई करने से मैं संकोच नहीं करता। सो अच्छा ही हो गया मुझे लगता है उससे। हमारे और आपके में एक समानता अभी तक की बातचीत में समझ में आ गई कि आप 99 में मुंबई आए और मैं 99 में इलाहाबाद से दिल्ली आया था। अरे वाह। खैर, मैं जो अगले सवाल पे आ रहा हूँ वो थोड़ा गंभीर किस्म का सवाल है। अश्विन, जिस उम्र में आप बात कर रहे हैं कि म्यूजिक का इतना क्रेज कि हारमोनियम भी बजा लिया, तबला भी बजा लिया, म्यूजिक सेट कर दिया, घर पे रियाज चल ही रहा है, घर पे सीख ही रहे हैं, परिवार में संगीत की परंपरा है ही, क्या इन सारी चीजों को मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके डिसिप्लिन से जोड़ सकता हूं?
क्या आपको आज ये लगता है कि आप अपने पीयर जो ग्रुप था उसमें डिसिप्लिन के मामले में उनसे बेहतर थे? क्या आज आप ये आपको लगता है कि आपके साथ उस उम्र में बच्चे जो बदमाशियां करते हैं, जिस तरह की गलत संगत में चले जाते हैं कई बार, उन सब चीजों से आप बचे रहे और उन सब चीजों से बचाए रखने वाली जो मूल चीज है वो संगीत थी? संगीत थी, माँ पिताजी के संस्कार थे, वो दोनों एज अ जैसे शख्सियत उनकी इतनी प्योर थी कि नॉट बिकॉज वो मेरे माँ बाप हैं, पर मैंने बहुत कम ऐसे इंसान देखे हैं जिनके अंदर इतनी अच्छाई है। उनकी सिखाई हुई वो बातें मैं आज भी सबकॉन्शियसली बहुत पालता हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं चाह सकता, चाहकर भी नहीं चाह सकता। मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा ये इसमें बुरा नहीं चाह रहा, ये शायद इनका नजरिया अलग होगा, पर वो मैं कर नहीं पाता उस चीज़ को, या शॉर्टकट्स नहीं आते मुझे, मुझे हर चीज़ की तह तक जानी होती है। वो मेरे पिताजी का टेक्निकल ब्रेन इंजीनियर हैं वो, तो उन्होंने भी बचपन से ही, मैं वो स्कूटर रिपेयर करने बैठते थे, तो बाय द टाइम आई वाज 6-7 इयर्स ओल्ड मेरे हाथ में वो टूल्स देना और ये मुझे अगला ये चाहिए, वो मुझे देखते नहीं थे। जैसे सर्जिकल प्रोसेस होता है ना जो हॉस्पिटल में, वैसे वो करते थे कि मुझे अभी ये नोज प्लायर चाहिए, 8 नंबर का स्पैनर चाहिए। तो तीसरे चौथी बार तक तो मैं रेडी हो गया था कि इसके बाद ये नट का 8 नंबर होगा, इसका ये होगा। सो मेरा भी ब्रेन ग्रास्पिंग में बहुत पावरफुल था उस टाइम। आई थिंक आई वाज ओनली लकी, आई शुड से, कि ऊपर वाले की दया भी थी और इन दोनों के जेनेटिक्स में वो चीज़ें ऐसे मिलके आई हैं मेरे लिए, और दोनों ही चीज़ों का योगदान रहा। म्यूजिक तो था ही, म्यूजिक के जो परिभाषा है उसमें क्या, जैसे प्रोसेस एक ग्राफ का होता है, आलाप हुआ, उसके बाद फिर जोड़ हुआ, अगर तंत्रकारी बजा रहे हैं या गायकी बजा रहे हैं तो ख्याल में बढ़त, उसकी विस्तार में एक उसका एक देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। वो जो मेथड है वो पहले मुझे जल्दी समझ में आ गई, तो उसकी एक्सटेंशन का ही रोल समझ लीजिए कि वो डिसिप्लिन जहां बैठा कि रियाज करना ही पड़ेगा। अब एक जगह ऐसे हुआ कि आकाशवाणी का प्रोग्राम था और उस दिन कुछ खास नहीं बजी, बहुत बुरा हुआ टू बी ऑनेस्ट, बट मैं पॉलिश्ड कह रहा हूँ कि कुछ खास नहीं बजी थी। तो शाम को माँ ने कभी डांटा नहीं, दोनों ने भी कभी नहीं डांटा मुझे, इतना ही बताया कि रियाज हुआ नहीं था इसलिए शायद ऐसे बजा होगा, बस इतना बोल के वो चुप हो गई। और वो मेरे जगह में ये क्या, नहीं डांटने का जो असर पड़ता है वो ज्यादा पड़ता है। डांटने से क्या, बच्चे छुपाने लगते हैं, फिर जो नहीं डांट के जो उन्होंने मुझे खोल दिया ना दिमाग को, वो अलग ही हो गया। तो तब से फिर रियाज की इंपॉर्टेंस समझ में आके नहीं करता था मैं, एक तो मैं रियाज करता था ताकि मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब भी दोनों बात करते थे कि अरे इसके हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए हैं, तो फिर मैं तुरंत तानपुरा ऑन करके अपना बैठ जाता साहब, तो बोलते कि अच्छा रियाज पे बैठा था ठीक है, अभी इसको पढ़ने मत बोलना, नहीं तो मेरे ऊपर वो आफत आएगी कि अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम आए, जो भी। सो आई वुड एक्चुअली, मेरा रियाज का ये एस्केप था कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं हो। सो डिसिप्लिन आता गया, आई थिंक इट्स द कल्चर दे गेव मी, इट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग ट्रूथफुल, बींग अर्नेस्ट विथ वॉट यू डू, उसकी एक क्या कह सकते हैं, उसमें एक सादगी चाहिए, उसमें एक बहुत प्योर सरेंडर चाहिए। उस चीज को उन्होंने सबकॉन्शियसली मुझे बताया बाई बींग हु दे वर, ऐसे बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था, वो लोग नेचुरली थे ही वैसे, तो शायद वहां से आया है वो। बट यस, डिसिप्लिन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस मेरा डरपोक होना बचपन में, दो बार खेल के समय मेरे दोनों हाथ टूटे हैं, एक वो राइट रिस्ट टूटा था फुटबॉल के टाइम, और एक बार पेड़ चढ़ के पेड़ से गिर गया तो लेफ्ट रिस्ट उसके पहले टूट गया था, तो वहां से भी थोड़ी बहुत मस्ती मैंने भी की थी, पर वहां से वो बैठ गया कि नहीं बजा नहीं पाऊंगा मैं। आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, मैंने स्कूल में क्रिकेट रिप्रेजेंट किया था, पर वही बात हो गई कि बजा नहीं पाते, तो फिर मैं शायद क्रिकेटर होता अगर मैं बजाता नहीं तो, बट वो भी रह गई बात। प्लस ये जेलस जो स्कूलमेट्स थे उनसे बुलिंग बहुत हुआ है मेरे ऊपर, तो वो सारी चीज़ों के असर से ना मैं सिकुड़ा नहीं, बल्कि आई यूज्ड टू बी अ लोनर, एंड मेरे साथ मेरा म्यूजिक ही था जो भी था, प्लस सुनना और कैसेट्स और ये वो सब, वही उसी में रह गया मैं एक्चुअली। आज जो आप अपनी सारी बचपन की पोल खोल रहे हैं, जब ये इंटरव्यू आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो देखेंगे,
तब पता चलेगा कि अच्छा वो बात थी कि नहीं, उन्हें सारी बातें पता थी दोनों ने, मतलब पिताजी भी माँ भी, माँ तो अब नहीं रही पर उनसे कोई बात, जबकि क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड मेरी एक ही बनी जो अभी मेरी पत्नी है, पर वो भी विषय मैंने घर पे तुरंत खोल दिया था कि ये है, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता पर ये है। तो उनसे कभी कोई चीज, उन्होंने भी वैसे ही मेरे साथ रखा रिलेशन की, दोस्त ज्यादा थे मेरे तो कोई भी चीज छुपी नहीं थी उनसे, तो ये सारी बातें वो तो जानते ही है एक्चुअली। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।